गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज आपको चौथी कक्षा की हिंदी की बुक पढ़ाने जा रहा हूँ। पाठ चार, चापलूस मंत्री। मंत्री बोला, यह बात तो है महाराज, हाथी तो वास्तव में बहुत सुस्त जानवर है। मंत्री बोला, यह बात तो है महाराज, हाथी तो वास्तव में बहुत सुस्त जानवर है। राजा बोला, फिर क्या करें, ऊँट ले लें। मंत्री ने उछल कर कहा, ऊँट बिल्कुल ठीक रहेगा महाराज, इससे उत्तम सवारी तो कोई नहीं है। ऊँट से उत्तम सवारी तो कोई नहीं है, अपनी लंबी लंबी टांगों से एक दिन में ही इतनी दूरी तय कर लेता है जिसे चलने दूसरे को कई कई दिन लग जाते हैं। ऊँट अपनी लंबी लंबी टांगों से एक दिन में इतनी ही दूरी तय कर लेता है जिसे चलने में दूसरों को कई दिन लग जाते हैं। ऊँट से बढ़कर कोई सवारी नहीं। राजा ने कहा, सो तो ठीक है, लेकिन लंबा सफ़र है, ऊँट पर बैठे बैठे कुबड़ निकल आएगा, कमर तो टूट ही जाएगी। राजा ने कहा, सो तो ठीक है, लेकिन लंबा सफ़र है, ऊँट पर बैठे बैठे कुबड़ निकल आएगा, कमर तो टूट ही जाएगी। मंत्री ने तुरंत बात बदली, आपका कहना बिल्कुल ठीक है, छोड़िए ऊँट को, ऊँट भी कोई सवारी है और देखने में कितना भद्दा। आपका कहना बिल्कुल ठीक है, छोड़िए ऊँट को, ऊँट भी कोई सवारी है और देखने में कितना भद्दा ऊँट लगता है। राजा बोला, मेरे विचार से घोड़ा ठीक रहेगा। मंत्री ने कहा, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली, घोड़ा बहुत शानदार सवारी है, घोड़ा बहुत शानदार सवारी है, चाहे मैदान हो या पहाड़, घोड़ा सब जगह चला जाएगा, घोड़ा वीरों की सवारी है। राजा ने कहा, यह बात तो ठीक है, लेकिन घोड़े पर घंटों बैठने से कमर अकड़ जाएगा, कोई एक दो घंटे की बात तो नहीं है। मंत्री बोला, यह बात भी ठीक है महाराज, फिर घोड़े पर न तो धूप से बचाव होता है न बारिश से। यह बात तो ठीक है महाराज, फिर घोड़े पर न तो धूप से बचाव होता है और न बारिश से, यह भी पता नहीं कि कब खाई खंदक में पटक दे, यह भी पता नहीं कि घोड़ा कब खाई खंदक में पटक दे। बड़ा मनमौजी जानवर होता है घोड़ा, बड़ा मनमौजी जानवर होता है। तो आपको यहाँ से यहाँ तक पढ़ाया गया, अब आप अपनी कॉपी खोलेंगे और कॉपी के ऊपर क्या लिखेंगे, चापलूस मंत्री पाठ चार, अगस्त 14, तारीख डाल लेंगे। क, निम्नलिखित प्रश्नों पर गलत या सही के निशान लगाइए। आपको ये और यहाँ तक आपको लिखना है, मैं रुक रहा हूँ। पहला, मंत्री के अनुसार हाथी बहुत सुस्त जानवर है, यह कथन आपका सही है। दूसरा, ऊँट अपनी लंबी लंबी टांगों से एक दिन में काफ़ी दूरी तय कर लेता है, यह कथन भी आपका सही है। तो आप यहाँ से यहाँ तक अपनी कॉपी पर लिख लें, मैं रुक रहा हूँ। तीसरा, घोड़ा कायरों की सवारी है, घोड़ा कायरों की सवारी है, यह कथन आपका गलत है। चौथा, घोड़े पर घंटों बैठने से कमर अकड़ जाता है, यह कथन आपका सही है। तो आप यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे, मैं रुक रहा हूँ। नेक्स्ट, पांचवा,
घोड़े पर न तो धूप से बचाव होता है न बारिश से, यह भी कथन आपका सही है। तो आप पांचवा लिख लेंगे, मैं रुक रहा हूँ। ख, निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला, भद्दा, ऊँट देखने में भद्दा लगता है। भद्दा, ऊँट देखने में भद्दा लगता है, ऊपर चंद्रबिंदु भी है। दूसरा, शानदार, साइकिल एक शानदार सवारी है। तीसरा, मनमौजी, तेनालीराम एक मनमौजी विदूषक थे। आप यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे, मैं रुक रहा हूँ। नेक्स्ट, चौथा, दूरी, ऊँट एक दिन में लंबी दूरी तय कर सकता है। दूरी, वाक्य प्रयोग, ऊँट एक दिन में लंबी दूरी तय कर सकता है। मनमौजी तेनालीराम एक मनमौजी विदूषक थे। शानदार, वाक्य प्रयोग, साइकिल एक शानदार सवारी है। भद्दा, ऊँट देखने में भद्दा लगता है। तो आप यहाँ से यहाँ तक अब लिख लेंगे, मैं रुक रहा हूँ। अब आप ध्यान से सुनेंगे, आपका होमवर्क क्या है। आपका होमवर्क है, आज जो मैं प्रश्न उत्तर करवाया हूँ, आपको प्रश्न लिखकर उसके उत्तर को लिखना है। मात्रा पर ध्यान देते हुए आपको लिखना है और वाक्य प्रूफ, ये आपको अपनी होमवर्क की कॉपी पर दोबारा आपको लिखना है। लिखने के बाद आपको प्रश्न के उत्तर को याद करना है। आज के लिए बस इतना ही, बाकी आपका नेक्स्ट टर्म पर अपने समय का सही प्रयोग करें, माता पिता की आज्ञा का पालन करें और खुश रहें। दैट्स ऑल।